हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। तो लुक और इमेज ये देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फेस्टिव लुक पर। तो यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट मैं यहाँ मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल यूज़ किया है। तो एलोवेरा जेल यूज़ करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने निविया की क्रीम यूज़ की है। तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसका ब्रांड जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्रीम वगैरह अच्छे से अप्लाई कर ली और यहाँ पर 1 मिनट और वेट किया मैंने अच्छे से अप्लाई करने के बाद। यहाँ पर फिर इसके बाद मैं जो स्टेप फॉलो करूँगी वो है कंसीलर का। तो यहाँ पर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ भी मेरे डार्क स्पॉट हैं और जो डार्क एरिया है तो वहाँ मैं अच्छी तरीके से कवर करूँगी कंसीलर से और इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी हूँ। आई थिंक लूज पाउडर वगैरह के लिए थोड़ा बहुत मैंने अगर ब्रश यूज़ किया हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने ब्रश का कहीं भी यूज़ नहीं किया है। बिना ब्रश के मैं ये बेसिक मेकअप कर रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ मैं थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ करूँगी हल्का सा। कभी कभी मैं कंसीलर अगर यूज़ करती हूँ तो अगर मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती तो मैं वो फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। बट यहाँ मुझे हल्का लग रहा था कि मुझे फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई किया है। अच्छी तरीके से आपको अपने फेस पे, नेक एरिया पे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। फाउंडेशन अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाना चाहिए और फेस एरिया को, नेक एरिया को और कान वाले पार्ट को, उसके बैक साइड पार्ट को अच्छी तरीके से आपको कवर करना है। और उसके बाद यहाँ मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो ये हल्का सा मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है एंड या और इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं बहुत लाइट आई मेकअप करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पिक किया है ब्राउन कलर। तो यहाँ सिर्फ एक ही कलर मैं यहाँ पिक कर रही हूँ, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर और थोड़ा सा इसमें जो गुलाबी कलर है वो हल्का सा मिक्स करके मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो दोनों को साथ में मिक्स करके एक कलर, जो कलर आया है ना, वो मेरी साड़ी के साथ अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो है ब्राउन कलर और गुलाबी कलर को मिक्स करके मैंने यहाँ पर हाथों की मदद से आई मेकअप किया है। और फिर यहाँ पर मैं लाइनर यूज़ करूँगी और काजल यूज़ कर लूँगी सेम काजल पेंसिल की मदद से। और ये मैंने यहाँ हाइलाइटर यूज़ किया है थोड़ा सा चिकेरी को और थोड़ा सा नोज पे और थोड़ा सा चिकेरी पे और फोरहेड पे हल्का सा बस। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी। और ऑलमोस्ट मेरा जो बेसिक मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर साड़ी पहनूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको साड़ी पहनने के बाद। तो ये देखिए मेरा ये लुक है। उसके बाद हेयर स्टाइल के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं जोड़ा बनाऊँ या ओपन हेयर करूँ। तो मैं दोनों ही लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले ओपन हेयर करके मैं आपको अपना लुक शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने सिंपल ज्वेलरी वेयर की है, सिंपल मीन्स लाइक गोल्ड ज्वेलरी जो है मैंने यहाँ पर वेयर की है। गोल्ड जो है इयर रिंग मैंने यहाँ पर और जो नेकलेस है और कंगन सिंपल, बहुत सिंपल मैंने ज्वेलरी वेयर की। तो या दैट्स इट। तो यहाँ पर
हेयर की थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो हाँ पहले फिर मैंने हेयर ओपन किया और यहाँ पर ये मैंने ईयर रिंग डाल लिया था, ये वाले छोटे छोटे। बहुत सिंपल लुक चाह रही थी कि फेस्टिव लुक जो है पूजा के लिए, या फिर पूजा ये जो दुर्गा पूजा आ रही है, दशहरा आ रही है, या दिवाली के लिए भी अगर आप चाहो तो ये सब सिंपल लुक ट्राई कर सकते हो। तो ये इस तरीके का लुक बहुत ईजली आप क्रिएट भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल भी है। और कोई भी फेस्टिव लुक हो, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, वो दुर्गा पूजा आ रही है, दशहरा आ रही है, तो आप जिसमें भी चाहें आप ये लुक ट्राई कर सकते हैं। तो या दैट्स इट, मैंने यहाँ पर ये सिंपल इयर रिंग डाल लिया, एक लॉन्ग नेकलेस डाल लिया और एक सिंगल सिंगल बैंगल डाल दिया, और यहाँ मैंने ओपन हेयर किया है। तो ये मेरा लुक है ओपन हेयर पे। और यहाँ पर मैं यहाँ पर जूड़ा बना रही हूँ, सिंपल सा बन बनाया है बैक साइड पे नीचे साइड करके, और ये एक सिंपल गजड़ा मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। इस गजड़े को आपने कई वीडियो पे मेरे देखा होगा, जो भी मैं लुक क्रिएट करती हूँ ना फेस्टिव लुक या जो भी ट्रेडिशनल लुक साड़ी उड़ी के साथ, तो आपने ये गजड़ा कई बार देखा होगा। इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था यार, और ये हो गया मेरा लुक गजड़े के साथ। तो आई होप गाइस आपको ये लुक भी अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको के लिए हेल्पफुल हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो भी दबा दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और बस सिंपल ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, सिंपल साड़ी डाली, सिंपल मेकअप किया, तो आई होप यूज़फुल हो आपके लिए ये वीडियो। तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए चलती हूँ, बाय बाय।